हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बेबी के फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हमें इस तरह से लेना है, जैसे यहाँ पे हमारा ये एक बार हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अभी यहाँ पे हम वन पीस फ्रॉक कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेंगे। इस तरह से हमने लंबाई ली है। तैयार हमारा 16 इंच तैयार हो जाएगा। तो हमने ये 17.5 इंच लिया है, 1.5 इंच हमने इसमें प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर हमें गले के लिए 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। गला लेंगे हम 2 इंच पे, 4.5 इंच पे हम शोल्डर लेंगे। यहाँ पे हम 4.5 इंच पे हम आर्म होल ले लेते हैं। इस तरह से हमें ये आर्म होल लेना है। 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये छोटे बेबी के लिए हैं, तो यहाँ पे हम आर्म होल एक ही देंगे तो भी चलता है, नहीं तो आप इस तरह से आप डबल भी दे सकते हैं। जैसे 1/2 इंच का गैप रख के आप डबल भी आर्म होल की शेप दे सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही शेप दिया है। अब यहाँ पे हमें गला लेना है 3 इंच पे। हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। गले के लिए राउंड शेप देंगे और यहाँ पे हमें जैसे ये जो है ये चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट है हमारी, चेस्ट का 1/4 है हमारा 6 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच इसमें प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 4.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम कमर का नाप लेते हैं। कमर लेंगे हम 5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे यानी कि 6 इंच। और घेरा जो है हम जितना है, जैसे 7.5 इंच घेरा है तो हम घेरा उतना ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चेस्ट से कमर तक इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और इसको नीचे घेरे तक ज्वाइन करेंगे। यहाँ भी हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने लंबाई ली है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये हमने लंबाई ली। लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 या 1 इंच आपको प्लस करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 इंच लिया है, ये गले के लिए। और यहाँ से यहाँ तक मैंने 4.5 इंच लिया है, ये हमारा शोल्डर का नाप है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 इंच लिया है, ये हमारा आर्म होल है। और यहाँ हमने 1 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल का शेप दिया है। और यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच लिया है और गले के लिए राउंड शेप दिया है। ये हमारा चेस्ट का 1/4 हमने यहाँ पे लिया था। जैसे जितना भी आपका चेस्ट का 1/4 होगा आपको यहाँ पे लेना है, 1 या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिंग रखना है। उसके बाद यहाँ से हमने 4.5 इंच लिया था। 4.5 इंच लेने के बाद यहाँ पे हम कमर का नाप लेते हैं और यहाँ हम इस तरह से इसको कमर का नाप लेंगे। तो कमर है हमारी 5 इंच, कमर का 1/4 है हमारा 5 इंच, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो घेरा है, तो घेरा है हमारा 7.5 इंच, हमने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, जितना घेरा था उतना हमने लगा रखा है। और यहाँ पे हमने ये चेस्ट से कमर तक और कमर से हम घेरे तक इस तरह से हमने ये शेप दिया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब जो बाहर के साइड है, एक्स्ट्रा जो मार्किंग हमने लिया है उसको हमें कट करना है।
अब जो आर्मोल हमने लिया था उसको कट करेंगे। अब जो गले का मार्किंग है फ्रंट और बैक साइड हम एक जैसा ही लेंगे। बीच में से शोल्डर को हम कट करने वाले हैं। इस तरह से हमने ये देखिए वन पीस फ्रॉक की कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप बीच में से कट भी कर सकते हैं, जैसे फ्रंट साइड जो हो तो आपको थोड़ी चाहिए तो थोड़ी भी ओपन करके रख सकते हैं और यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं, नहीं तो पूरी पूरे बीच में इसको कट करके हुक और आई की पट्टी लगा के इसका बटन, ये काज बटन या हुक और आई भी बनाकर आप इसको बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सी कटिंग करके आपको दिखाई है, क्योंकि मैंने ये जो फ्रॉक है इसको मैंने आपको सिंपल से कट करके वन पीस फ्रॉक कैसे कटिंग करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।